हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। आज अपन डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक अपना रहेगा अस्थमा। सो किसी भी टॉपिक को समझने से के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी डेफिनेशन को समझना। अगर आप किसी टॉपिक की डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेते हैं तो आई थिंक आपको वो टॉपिक 50-60% कवर हो जाता है। ओके, और मैं आपको उसी तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जो टॉपिक है यानी कि जो अस्थमा है उसका मतलब यानी कि उसका मीन्स मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और उसको इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको वो टॉपिक अच्छे से पकड़ में आ जाएगा। एंड देन डेफिनेशन के साथ साथ अपन पॉइंट कनेक्ट करते हुए उसके कोज एंड उसके टाइप एंड उसके जो सिम्टम्स होते हैं यानी कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो होते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है और ट्रीटमेंट क्या होता है अस्थमा का, उस पूरे टॉपिक को इस वे के अंदर अपन समझेंगे। सो लेट्स बी स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी डेफिनेशन। सबसे पहले अपन क्या देखेंगे इसकी डेफिनेशन यानी कि अस्थमा होता क्या है। तो अस्थमा बेसिकली क्या है, हाइपर रेस्पॉन्सिव एयरवे डिजीज। क्या होती है, हाइपर रेस्पॉन्सिव एयरवे डिजीज होती है। सो बेसिकली इसके अंदर दो वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, हाइपर रेस्पॉन्सिव एंड एयरवे डिजीज। ओके, तो हाइपर रेस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है, ये रिलेटेड है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। और एयरवे का मतलब क्या होता है, एयरवे जिसके अंदर आपके माइंड में एयरवे आती है, क्या आना चाहिए, ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकाई आएगा, लंग्स आते हैं यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपके माइंड में आता है। तो किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी कोज की वजह से क्या हो जाता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। कहाँ पे, एयरवे के अंदर। तो वो कोई भी रीजन हो सकता है, कोई एलर्जन हो सकता है, कोई नॉन एलर्जेंट जो एजेंट हो सकते हैं। किसी भी रीजन की वजह से ये जो अपना एयरवे होता है, ये ट्रेकिया हो गई, ये बाइफर्केट हो गई या ब्रोंकाई बन सकता है, तो इस एयरवे के अंदर क्या हो जाएगा, किसी भी रीजन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। अब जैसे ही कहीं पे भी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो वहां पे क्या होता है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। क्या होता है, एंटीजन प्लस एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एंटीजन क्या हो सकता है, एंटीजन कोई भी डस्ट हो सकता है, कोई भी अदर कोज, कोई भी एजेंट हो सकता है। उस एजेंट के खिलाफ अपनी बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाती है। अब एंटीबॉडी बनाएगी तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा, इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। अब ये जो सारी प्रोसेस है, ये जो सारी प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं, ये जो पैथोलॉजी हो रही है, ये बेसिकली कहाँ क्रिएट हो रही है, एयरवे के अंदर। कहाँ हो रही है, एयरवे के अंदर। अब एयरवे के अंदर अपन ने समझा है, एयरवे के अंदर क्या आता है, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई वगैरह आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, मान लो ये अपना क्या है, एयरवे, ये ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, फिर आगे ये और भी ज्यादा डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंकियोल्स के अंदर। तो इस तरीके से अपनी जो एयरवे ट्री होती है, क्या होती है, एयरवे ट्री होती है। तो कोई भी एंटीजन, लेट सपोज कोई डस्ट वगैरह आए, ये अंदर चले गए एयरवे के अंदर। अब यहां से दूसरी तरफ से क्या आएगा, एंटीबॉडी आएंगे। बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म अपनाएगी तो एंटीबॉडी आएंगी। तो एंटीजन एंटीबॉडी क्या होगी, रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी तो इन्फ्लामेशन होगी। ठीक है, अब ये एक नॉर्मल एयरवे, ये क्या है, नॉर्मल एयरवे। ये दूसरा क्या है, इन्फ्लाम्ड एयरवे। ये क्या है, इन्फ्लाम्ड एयरवे होता है। तो जैसे इन्फ्लामेशन होगी तो ये मान लो ये क्या होगी, इन्फ्लामेशन होगी। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या हो जाएगी, वहां पे स्वेलिंग क्रिएट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तो किसी भी रास्ते के अंदर, किसी भी एयरवे के अंदर, किसी भी ल्यूमेन के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो वो रास्ता क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। एक तो नॉर्मल ये रास्ता था, इससे एयर अंदर जा रही थी, एयर बाहर आ रही थी। एक ये रास्ता है, इसके अंदर से एयर जाएगी, इसके अंदर से एयर बाहर आएगी, यानी कि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है और CO2 क्या आती है, बाहर आती है। इसमें ऑक्सीजन अंदर जाएगी, CO2। तो एक तो नॉर्मल एयरवे है इस तरीके से, एक है इन्फ्लाम्ड एयरवे। तो एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन से क्या कंडीशन होगी, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, और उस टर्म को अपन क्या बोलते हैं, डिस्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपन डिस्निया बोलते हैं।
सो बेसिकली अस्थमा के अंदर क्या हो रहा है, किसी भी रीजन की वजह से अपनी जो एयरवे होती है यानी कि जो ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंफ्लामेशन हो रही है, एंड इंफ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट को क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत, बिकॉज ऑफ एयरवे का जो लूमेन है वो क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है, और नैरो जो रास्ते से जो एयर है वो आसानी से गुजर नहीं पा रही है। ओके, तो यहां तक आपको डेफिनेशन पूरी क्लियर हो चुकी होगी। ओके, अब अपन बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कोजेज हैं यानी कि कितने टाइप होते हैं अस्थमा के, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो अपना रहेगा कोजिस, या आप दूसरी भाषा में इसको बोल सकते हैं इटियोलॉजी, क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी या फिर कोजिस। सो बेसिकली अपन कोजेज एंड टाइप्स की बात कर लें, क्योंकि जिस टाइप के जो एजेंट होते हैं उसी टाइप का अस्थमा होता है। तो बेसिकली जो अस्थमा होता है वो कितने टाइप होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। कितने टाइप होते हैं, टू। फर्स्ट जो होगा वो होगा एलर्जिक अस्थमा। फर्स्ट क्या होगा, एलर्जिक अस्थमा। ओके, एक चीज जो मिस कर चुके हैं अपन, यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब अपन ने देखा तो सही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटीजन एंटीबॉडी क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, यानी कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है। तो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेगा कि अस्थमा के अंदर जो इन्फ्लामेशन होती है, जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, वो कौन सी एंटीबॉडी से मीडिएट होती है, यानी कि कौन सी एंटीबॉडी अपना रोल अदा करती है। तो ये जो अस्थमा होता है इसके अंदर कौन सी एंटीबॉडी अपना रोल अदा करती है, आईजीई एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी अदा करती है, आईजीई एंटीबॉडी, यानी कि जो अस्थमा होता है किससे मीडिएटेड होता है, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है किसके अंदर, अस्थमा के अंदर। तो एक क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर। ओके, तो एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो चुका है और डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ चुकी है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे कोज की, तो फर्स्ट जो टाइप होता है वो एलर्जिक अस्थमा होता है, दूसरा होता है नॉन अलर्जिक अस्थमा। सो बेसिकली टॉपिक अपन ऐसे पढ़ेंगे कि आपको मैं टॉपिक समझाता जाऊंगा एंड डेफिनेशन से, कोज से, सिम्टम से किस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, वो भी साथ के साथ आपको बताता जाऊंगा, ताकि आपकी थॉट प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो पाए, आपको ये समझ में आ पाए कि इस इंफॉर्मेशन से किस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर जनरेट होगा और आपको किस तरीके से अपना सही आंसर पुट करना है ताकि आपका वो क्वेश्चन सही हो पाए। ओके, तो पूरा मुद्दा यही रहेगा। तो अपन बात कर रहे थे इसके टाइप की, तो फर्स्ट टाइप जो एलर्जी की यानी कि ड्यू टू अलर्जेंस, तो नाम से ही पता चल रहा है, हर चीज को उसके नाम से समझना जरूरी है, ड्यू टू एलर्जन की वजह से। और नॉन एलर्जिक यानी कि ड्यू टू नॉन अलर्जेंस, जो नॉन एलर्जन एजेंट होते हैं उसकी वजह से, ड्यू टू एलर्जन एजेंट। तो एलर्जेंट एजेंट कुछ भी हो सकता है, किसी पेशेंट को धूल मिट्टी से एलर्जी होती है यानी कि किसी को डस्ट हो सकता है, किसी को परफ्यूम की किसी भी टाइप के ऑर्डर से हो सकता है, कोई परफ्यूम हो सकता है, कोई फ्रूट की स्मेल हो सकती है, कोई खाने की स्मेल हो सकती है यानी कि फूड स्मेल, फूड की वजह से हो सकते हैं, किसी भी टाइप के खाने की वजह से हो सकती है। लेट सपोज किसी ने पिज्जा खाया तो उसके अंदर चीज थी, किसी को चीज से एलर्जी है तो उसकी वजह से भी अस्थमा अटैक पड़ सकते हैं। और क्या चीजें हो सकती हैं, किसी पेशेंट को स्मोक से होती है यानी कि धुएं में जाएगा, यानी कि वो स्मोकिंग कर रहा है, या फिर कहीं पे कुछ चीज जली हुई है, पॉलीथीन वगैरह जला रखी है, कोई कचरा जला हुआ है, तो उससे जो स्मोक निकलता है तो उसकी वजह से भी उसका एयरवे क्या हो सकता है, हाइपर रेस्पॉन्सिव रिएक्शन हो सकती है उसके एयरवे के अंदर एंड उसको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। ओके, तो ये है एलर्जिक अस्थमा एंड उसके कोजेज। दूसरा नॉन एलर्जिक अस्थमा, इसके अंदर आपका क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, नॉन एलर्जिन के अंदर कुछ मेडिकेशन होती है, कुछ मेडिकेशन भी अस्थमेटिक अटैक के लिए रेस्पॉन्स हो जाते हैं, लाइक एज एस्पिरिन। कुछ इमोशंस भी होते हैं यानी कि अचानक से बहुत ज्यादा खुशी हो गया, अचानक से बहुत ज्यादा खुशी हो गई, बहुत ज्यादा गम हो गया यानी कि बहुत ज्यादा दुख में चला गया, तो भी उसको अस्थमेटिक अटैक आ सकता है। और इसके अंदर एलर्जन के अंदर एक चीज और ऐड कर सकते हैं आप, ड्यू टू कोल्ड, यानी कि या तो एक्सेसिव कोल्ड है या फिर एक्सेसिव हॉट है, बहुत ज्यादा ठंड हो पड़ी हुई है यानी कि बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है तो भी अस्थमेटिक अटैक आता है। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं ठंड के अंदर ही अस्थमा आने के गर्मी के बजाय। ओके, तो यहां से जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जनरेट होता है, मोस्ट कॉमन कोज भी पूछ सकते हैं
या फिर ऐसे पूछ सकते हैं मोस्ट कॉमन टाइप। ओके, तो एक क्वेश्चन आपसे टाइप एंड कॉजेज से ये पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप क्या होता है एस्थमेटिक अटैक का, या फिर मोस्ट कॉमन कॉज। तो मोस्ट कॉमन टाइप एलर्जन है, तो फिर एलर्जन ही जो मोस्ट कॉमन कॉज भी एलर्जन हो गए। ओके, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। देन अपन मूव करेंगे इसके नेक्स्ट जो कंपोनेंट पे, दैट इज वो क्या होता है अपना क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब अपन ने समझ लिया कि ये कॉज होते हैं, ये टाइप होते हैं अस्थमा के, इस तरीके से अस्थमा का मतलब होता है, ये मीनिंग होता है अस्थमा के अंदर, ये चीजें होती हैं। बट सबसे जो जरूरी चीज होती है वो ये होता है कि अपन कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि उसको अस्थमेटिक अटैक आया या सीओपीडी हुआ है या फिर टीबी हुआ है। ओके, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी होता है वो देखना होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, एंड अगर लास्ट में अगर अपने को कंफर्म करना होता है तब अपन करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो अब अपन बात करेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, किसके बारे में, साइन एंड सिम्टम, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने कॉलेज में शॉर्ट फॉर्म में लिखा होगा, तो शॉर्ट फॉर्म की यूज करेंगे टाइम को बचाने के लिए। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन सिम्टम, तो बेसिकली अपन ने समझा था अस्थमा को। तो सबसे जो जरूरी होता है, अपन ने डेफिनेशन को इसलिए मैंने आपको अच्छे समझाई थी ताकि आप उसी से सिम्टम्स निकाल लेंगे, अपन उसी डेफिनेशन से पूरे टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। तो एयरवे के अंदर क्या हो चुका था, इन्फ्लामेशन, क्या हो चुका था, इन्फ्लामेशन हो चुका था। ओके, तो नैरो हो गया, नैरो होने की वजह से पेशेंट को, अब एक मान लो कि एक ये रास्ता है, इससे ये एक बॉल है, ये एक बॉल है, तो इसको यहाँ इस रास्ते से आगे की तरफ मूव करेंगे या फिर पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो ये इन दीवारों से टकराएगी नहीं, क्योंकि बॉल क्या है, छोटी है, और रास्ता क्या है, वाइड है, तो बिल्कुल भी किसी भी टाइप की साउंड आएगी तो नो साउंड, कोई भी टाइप की साउंड आएगी। अब मान लो एक रास्ता ऐसा है और अपने पास क्या है, ये बॉल है, अब ये बॉल इस रास्ते से आगे की तरफ जाए या पीछे की तरफ जाए, तो ये क्या, इसकी दीवारों से क्या आ रही है, टकरा रही है, तो ये क्या करेगी, साउंड प्रोड्यूस करेगी, ये क्या करेगी, एक टाइप की साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो जब भी अपना एयरवे नैरो हो जाता है और उसमें से जो नैरो एयरवे से जो एयर गुजरती है, यानी कि अपन सांस लेते हैं अंदर, इनहेल करते हैं एंड एक्सहेल करते हैं, तो एक स्पेसिफिक टाइप की साउंड निकलती है और उसे अपन क्या बोलते हैं, वीजिंग साउंड। तो वीजिंग साउंड क्या होती है, एक टाइप की विस्लिंग साउंड होती है। कौन सी साउंड होती है, विस्लिंग, यानी कि कोई मान लो कि सिटी बजा रहा हो, सीटी बजाने पे जो साउंड आती है उस टाइप की साउंड अपने को देखने को मिलेगी, इसके अंदर, अस्थमा के अंदर। तो ये क्यों मिलेगी आपको समझा दी। तो फर्स्ट जो सिम्टम्स आप निकालेंगे वो रहेगा अपना रिकरेंट एपिसोड ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग साउंड, तो आपसे अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या जो स्टैंडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड सिम्टम्स होते हैं वो कौन होता है अस्थमा का, ये, तो यहां से आपका एक मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, तो एक क्वेश्चन आपको ये जनरेट होता है, तो आप देंगे रिकरेंट एपिसोड ऑफ वीजिंग साउंड। या आपसे ये भी पूछ सकते हैं विच टाइप ऑफ साउंड हियर इन अस्थमा पेशेंट, किसी भी तरीके से पूछे, आपको समझ में आ चुका है कि वहां पे कौन सी साउंड आएगी, वीजिंग साउंड ही आपको सुनाई देगी। वीजिंग साउंड क्यों सुनाई देगी, ये आपको अच्छे समझ में आ चुका है, क्योंकि नैरो एयरवे से अगर एयर गुजरेगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होगा, फ्रिक्शन की वजह से ये साउंड प्रोड्यूस होती है। दूसरी चीज, अब ऑक्सीजन कम जा रही है, CO2 कम बाहर आ रही है, नैरो एयरवे से पूरी जो जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो नहीं जाएगी, यानी कि नैरो एयरवे से जो एयर है पास नहीं हो पा रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो दूसरा सिम्टम आपको देखने को मिलेगा डिस्निया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। दूसरी चीज आपको देखने को मिलेगी चेस्ट टाइटनेस, यानी कि चेस्ट टाइट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि सांस लेने के लिए एक्सेसरी मसल्स का यूज होगा, तो मसल्स क्या हो जाएंगे, एकदम से खिंच जाएंगी, तो खिंचने की वजह से चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलता है। और क्या चीज आपको देखने को मिल सकती है, अब सांस है, ऑक्सीजन कम जा रही है, तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, तो क्या उसको क्या बोलते हैं, टेकीपनिया, यानी कि इंक्रीज
रेस्पिरेटरी रेट, साथ साथ में हार्ट भी बढ़ जाएंगे, पल्सेट बढ़ेंगे, टेकी कार्डिया यानी कि इंक्रीज पल्स। टेकी कार्डिया मतलब क्या होता है, इंक्रीज पल्स रेट। दूसरी चीज, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन नहीं आ रही है, इन्फेक्शन हुआ है, इंफ्लामेशन हुआ है, तो जो एयरवे है वो इरिटेट होगा, इरिटेट होने की वजह से क्या होगा, कफिंग होगी। क्या होगी? कफिंग विद स्पूटम। कफिंग खांसी के साथ क्या आएगा, स्पूटम। तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा यहां से, कफिंग से। दो टाइप के अपन ने अस्थमा पढ़ा, एक होता है एलर्जिक अस्थमा, एक पढ़ा अपन ने एलर्जिक अस्थमा, दूसरा पढ़ा अपन ने नॉन एलर्जिक, दूसरा पढ़ा अपन नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो इसके अंदर बेसिकली पूछेंगे कि जो स्पूटम है उसका कलर क्या होगा। तो जो एलर्जिक अस्थमा होता है इसके अंदर जो स्पूटम का कलर होता है वो क्लियर एंड फ्रोथी होता है। क्लियर एंड फ्रोती का मतलब होता है फोमी, जो फोम होता है ना, जैसे कि झाग होते हैं, झाग टाइप का जो स्पूटम देखने को मिलेगा तो वो किसको इंडिकेट करता है कि एलर्जिक अस्थमा हुआ है। अगर जो स्पूटम है वो थिक हो यानी कि गाढ़ा हो, प्लस में क्या हो, क्लियर, थिक एंड क्लियर, अगर थिक एंड क्लियर स्पूटम आता है तो वो किसको इंडिकेट करता है, नॉन एलर्जिक अस्थमा। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको इस तरीके से भी पूछा सकता है कि किसी पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक हुआ है, नर्स है वो इसके स्पूटम को ऑब्जर्व कर रही है और स्पूटम अपने को देखना मिलता है थिक एंड क्लियर, तो वो किस टाइप के अस्थमा को इंडिकेट करता है, किस टाइप के अस्थमा का इंडिकेटिव होता है, तो आपको जवाब देना है नॉन एलर्जिक अस्थमा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने समझ लिया चीज को। ओके, नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें, और क्या चीज देखने को मिल सकती है, एयरवे नैरो हो गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, यूज ऑफ एसेसरी मसल्स, एसेसरी मसल का सहायक होता है। नॉर्मली जो रेस्पिरेशन में दो टाइप के मसल्स काम में आती हैं, एक इंटरकोस्टल मसल्स एंड दूसरा डायफ्राम, बट जो अपनी ये स्टर्नोक्लेविडोमास्टॉइड मसल्स होते हैं ये भी कहाँ, क्लेविकल से यहाँ जुड़ी होती है, इंटरनल कोस्टल मसल्स से, तो इनका भी यूज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऊपर की तरफ खींचती हैं, किसको, अपनी चेस्ट कैविटी को ऊपर की तरफ खींचती हैं ताकि लंग्स और ज्यादा एक्सपांड हो पाए और एक्सपांड होके ज्यादा एयर इनके अंदर फिलअप हो पाए और जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो कंप्लीट हो पाए। तो ऑक्सीजन की नीड को कंप्लीट करने के लिए एसेसरी मसल्स का भी यूज होने लग जाता है, तो ये चीज भी अपने को देखने को मिलेगा। अब ज्यादा मसल्स का यूज हो रहा है, टेकीकार्डिया हो गया, टेकीपनिया हो गया, कंडीशन खराब हो रही है, तो पसीना भी, ओब्वियसली पसीना भी निकलेगा बॉडी से, तो डायफोरेसिस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। डायफोरेसिस यानी कि, डायफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग। ओके, अब ये सारी चीज हो रही है बॉडी के अंदर, अगर ऑक्सीजन की कमी होगी और CO2 का लेवल बढ़ेगा तो बॉडी कैसी हो जाएगी, ब्लू ब्लू कलर की होती है, और इस ब्लूइश कलर को अपन क्या, इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, साइनोसिस की कंडीशन बोलते हैं, यानी कि ब्लूइश डिस्कलरेशन, क्या बोलते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन। ओके, तो इस टाइप के आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, अस्थमा के अंदर, अगर किसी पर्सन को अस्थमेटिक अटैक आया है तो आपको ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ से जो क्वेश्चन क्रिएट होते हैं मैंने आपको बता दिए, मोस्ट कॉमन जो सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स तो वीजिंग साउंड ही होती है एंड बाकी चीजें स्पूटम से रिलेटेड भी आ सकती हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से भी जनरेट हो सकते हैं, बाकी टेकीकार्डिया, टेकीपनिया, साइनोसिस वगैरह है, ये सारे इन कंडीशन के बारे में पूछ सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्यों हो रहे हैं। तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इनका रीजन क्या है, बिहाइंड द रीजन यानी कि इनके पीछे का कारण क्या है, क्यों हो रहे हैं सारी चीजें। ओके, अब अपन देखते हैं कि अपने को पता चल गया है कि अस्थमा का मतलब क्या होता है, क्यों वो हो रहा है, कितने टाइप के हो रहे हैं, किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बट सिम्टम्स के बेस पे भी अपन पता तो लगा लेते हैं कि अस्थमा हुआ है, बट कन्फर्म भी करना होता है कि कन्फर्मेटिव चीज क्या है, कंडीशन कितनी वर्स्ट हो चुकी है, कौन से टाइप का एलर्जन की वजह से हुआ है, तो उन सब चीजों को कंफर्म करने के लिए अपन क्या करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं। तो नेक्स्ट जो अपना
पॉइंट रहेगा वो होगा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यहां आपको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं डी स्लैश। तो किसी भी बीमारी को पता करने के लिए कि ये बीमारी है तो सबसे पहले अपन को क्या करते हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो सबसे पहला जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन अपन करते हैं वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है अपन को फिजिकली क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं तो वो सब चीजें, और इसको दूसरे रूप में अपन बोल सकते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको समझ में आ चुके हैं, आप उस पर्सन के अंदर पहले देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स उसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि अस्थमा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं देन आप आगे की प्रोसेस करेंगे। दूसरी चीज आप उससे पूछेंगे हिस्ट्री कलेक्शन। अब हिस्ट्री कलेक्शन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि अपन ने देखा है कि जो अस्थमा होता है वो दो टाइप का होता है, एक एलर्जिक होता है एक नॉन एलर्जिक। तो अपन उससे पूछेंगे कि आपको किसी टाइप की चीज से एलर्जी तो नहीं है, क्या स्मोक से एलर्जी है, क्या धूल से एलर्जी है, क्या मिट्टी से एलर्जी है, क्या परफ्यूम से एलर्जी है, या किसी टाइप के फूड से एलर्जी है, किसी टाइप की स्मेल से एलर्जी है, सर्दी से एलर्जी है, गर्मी से एलर्जी है। तो इस टाइप की चीजें पूछेंगे। आपने कोई मेडिकेशन ली, कोई ज्यादा अचानक से कोई इमोशनल चीजें हुई आपके साथ, बहुत ज्यादा खुश हुए हो या बहुत ज्यादा दुखी हो गए हो, तो ये सारी चीजें अपन पता करेंगे, पूछेंगे उस पेशेंट से, उस पेशेंट के जो फैमिली मेंबर उसके साथ आए हैं उससे, ताकि अपन कंफर्म कर पाए कि उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों उसको ऑटोमेटिक अटैक पड़ा है, क्या कोई पास्ट हिस्ट्री है, क्या कोई एलर्जिक हिस्ट्री तो नहीं है उस पेशेंट के अंदर। ओके, देन अपन करते हैं एबीजे एनालिसिस। एबीजे एनालिसिस, तो एबीजे एनालिसिस का मतलब होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। एबीजे की फुल फॉर्म क्या है, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। इसके अंदर बेसिकली अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन, CO2 एंड बाइकार्बोनेट, इन तीनों का क्या करते हैं, लेवल चेक करते हैं, और अपन देखते हैं कि कंडीशन कितनी वर्स्ट हो चुकी है, यानी कि कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। ऑक्सीजन का लेवल कितना कम हो चुका है, CO2 का लेवल कितना बढ़ चुका है, क्या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन तो नहीं हो गई है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन तो डेवलप नहीं हो गई है। तो उन सब चीजों को रूल आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एबीजे एनालिसिस करते हैं। तो एबीजे एनालिसिस में बेसिकली जो ब्लड सैंपल लिया जाता है वो किससे लिया जाता है, आर्टरी से। किससे लिया जाता है, आर्टरी से, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड एनालिसिस। तो बेसिकली समझ में आ रहा है, आर्टरी से ब्लड लेंगे और ये तीनों गैस का लेवल चेक करेंगे। ओके, तो इससे एबीजे एनालिसिस करने से पहले एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, एलन टेस्ट। तो ये भी पूछ लेते हैं एलन टेस्ट। सो बेसिकली एलन टेस्ट क्या चेक करते हैं, ये जो रेडियल और जो अल्नार आर्टरी होती है उसका कोलेटरल सर्कुलेशन चेक करने के लिए किया जाता है, टू चेक रेडियल एंड अल्नार आर्टरी कोलेटरल सर्कुलेशन। बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, रेडियल और अल्नार आर्टरी का जो कोलेटरल सर्कुलेशन है उसको चेक करते हैं। ओके, इसके चेक करने का मतलब होता है कि इसमें जो सैंपल होते हैं वो अपन आर्टरी से लेते हैं। अगर अपन जैसे कि मान लो ये रेडियल आर्टरी होती है, अल्नार आर्टरी होती है, अंगूठे की साइड रेडियल और ये चिटली की साइड अल्नार। तो अगर मान लिया अपन ने रेडियल आर्टरी से बेसिक जो जो साइड होती है वो रेडियल आर्टरी होती है, अगर रेडियल आर्टरी में अपन पंक्चर कर देते हैं और उसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है तो सप्लाई कौन करेगी आगे हैंड को, अल्नार आर्टरी। अब अगर मान लो पहले से अपने चेक नहीं किया, अल्नार आर्टरी पहले से ब्लॉक है, रेडियल के अंदर कर दिया, वहां क्लोट बन गया, दोनों ब्लॉक हो गई, हाथ पूरा क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। चेक तो कर रहे थे अपन ब्लड गैस का लेवल, पता चला हाथ ही खराब हो गया। ओके, तो ऐसा नहीं हो, उस चीज को बचने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमेशा कभी भी आपको एबीजे एनालिसिस करना है, आप हॉस्पिटल में जाते हैं, एम्स में जाते हैं, पीजीआई में, कहीं पे भी, आपको सबसे पहले एलन टेस्ट परफॉर्म करना ही है, वरना आपकी वजह से किसी पेशेंट के अदर टाइप की कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, फोर्थ नंबर, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मतलब कि टू चेक दें, ये क्यों करते हैं, टू चेक द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स,
कैपेसिटी ऑफ लंग्स। लंग्स की जो वाइटल कैपेसिटी है उसको चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, पीएफटी यानी ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। और बेसिकली इसके अंदर किसका यूज, स्पायरोमीटर, स्पायरोमीटर का यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक इस टाइप का, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट आपने कभी कहीं देखा होगा, इस टाइप का होता है। इसके अंदर तीन बॉक्स बने होते हैं इस तरीके से, ये क्या होता है, पूरा बंद होता है यहाँ पे, तो ये इस तरीके का होता है। इसके अंदर क्या होती है, बोल होती है, एक बोल ये हो गई, एक बोल ये, एक बोल ये क्या माउथ पीस है। ये क्या करते हैं, पेशेंट के जो माउथ होता है उसके अंदर इंसर्ट करते हैं और पेशेंट को बोलते हैं इंस्पायरेशन या फिर एक्सपायरेशन करने के लिए बोलते हैं। तो ये बोल क्या होती है, ऊपर मूव करती है। तो अगर ये बोल अच्छे से मूव कर रही है, मतलब कि उसके लंग्स अच्छे तरीके से सही है, कम मूव कर रही है तो उसके लंग्स की कैपेसिटी आधी कम हो चुकी है। अगर बिल्कुल मूव नहीं कर रही है, मतलब कि पूरा लंग्स है वो, लंग्स की कैपेसिटी एकदम डिक्रीज हो चुकी है और लंग्स बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में जा चुके हैं, यानी कि उनके अंदर एयर नहीं जा पा रही है, वो सांस लेने के लिए कैपेबल नहीं है। ओके, तो इसलिए ये क्या करते हैं, अपन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन देखेंगे, जो एक कंफर्मेटिव, अगर किसी कंफर्मेटिव एलर्जन को चेक करना होता है उसके लिए एक टेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस होता है, दैट इज द ब्रेस्ट। अगर इसका फुल फॉर्म बात करें तो रेडियो एलर्जोसोर्बेंट, रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्ट। टू कंफर्म या फिर आइडेंटिफाई द एलर्जन, यानी कि किस एलर्जन की वजह से उसको ऑटोमेटिक अटैक हुआ, क्या स्मोक की वजह से हुआ है, क्या किसी टाइप के स्मेल की वजह से हुआ है, यानी कि परफ्यूम की स्मेल हो गई, ओके, या किसी भी टाइप के जो धूल मिट्टी की वजह से हुआ, किस टाइप की वजह से। तो स्पेसिफिक एलर्जन को डिटेक्ट करने के लिए अपन रेस्ट टेस्ट करते हैं, RAST, रेडियो एलर्जो सोर्बेंट टेस्ट। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जनरेट होता है। तो बेसिक जो होता है इसके अंदर यही, ये इस टाइप के जो डायग्नोसिस करके अपन अस्थमा को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, एंड यहाँ से पता करने की कोशिश करते हैं क्या अस्थमा का रीजन क्या है, कितनी सीवियर कंडीशन है, क्या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, कितना आ रहा है, यानी कि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कितनी बची है, कितनी नहीं बची है। तो वो सारी चीजें ऐसे अपन इवाल्युएट करते हैं। अब लास्ट जो इम्पोर्टेंट चीज आती है, दैट इज द ट्रीटमेंट। अपन ने देख लिया, सिम्टम भी देख लिए कि ठीक है अस्थमा को इंडिकेट करें, फिर अपन ने डायग्नोसिस करके देखा तो पेशेंट की कंडीशन भी समझ में आ गई है कि सीवियर है या फिर नहीं है। तो बेसिकली सीवियर फॉर्म ऑफ, आपने एक चीज और सुनी होगी, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ बीच में, बहुत बार आपने एक वर्ड सुना होगा स्टेटस अस्थमेटिकस, स्टेटस अस्थमेटिकस। सो बेसिकली स्टेटस अस्थमेटिकस क्या होता है, सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा को अपन क्या बोलते हैं, अस्थमेटिक, स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं, सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा। अगर अस्थमा अटैक सीवियर हुआ है, यानी कि अभी अस्थमा अटैक पड़ा है, फिर लंबे टाइम तक चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, फिर ठीक हो जाता है, वापिस से अस्थमा अटैक आ रहा है, फिर वापिस से अस्थमा अटैक आ रहा है, अगर रिकरेंट परसिस्टेंट अस्थमेटिक अटैक आ रहा है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटस अस्थमेटिकस बोलते हैं। ओके, अगर ये कंडीशन आ रहा है तो ये क्या है, एक एमरजेंसी कंडीशन है, अब पेशेंट को बचाना जरूरी है, वरना तो क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है, रेस्पिरेटरी फेलियर। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ तो पेशेंट क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। तो ये स्टेटस अस्थमेटिक क्या है, सीवियर फॉर्म ऑफ अस्थमा है। ओके, ये क्लियर हो गए। अब हम बात कर रहे थे इसके ट्रीटमेंट की, तो नेक्स्ट जो चीज रहेगी इसका ट्रीटमेंट, यानी कि इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो किसी भी डिजीज के दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं, एक होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट और एक होता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट। तो अपन नर्सिंग फील्ड से हैं तो सबसे ज्यादा फोकस अपना रहता है नर्सिंग मैनेजमेंट पे, बिकॉज ऑफ जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है, अपना काम तो उसको सिर्फ कंप्लीट करना होता है, पेशेंट को देना होता है वो ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम, बाकी प्रेस्क्राइब कौन करेगा, डॉक्टर करेगा। बाकी जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो अपने को खुद ही
समझना होता है, अपने खुद के इंटेलिजेंस के बेस पे अपन एक्शन परफॉर्म करते हैं, और एक अच्छी गुड नर्सिंग केयर अपन देंगे, और अच्छी नर्सिंग केयर देना ही अपना क्या है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए अपन एम्स जो वगैरह हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि आप क्रिटिकल कंडीशन में कैसे एक पेशेंट को हैंडल करेंगे, कैसे उसकी सिचुएशन को हैंडल करेंगे, एंड उस सिचुएशन से आप उसको बाहर लेके आएंगे, यानी कि गुड कंडीशन के अंदर लेके आएंगे, किस टाइप की नर्सिंग केयर देते। ओके, तो दो टाइप के मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट होगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दूसरा होता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर देखो, किसी भी डिजीज का कोई भी मैनेजमेंट हो, चाहे वो फार्माकोलॉजिकल हो नर्सिंग मैनेजमेंट, अगर आपको डिजीज समझ में आ गई है तो आप उसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट आप खुद बना सकते हो, लिख सकते हो। कैसे, देखो मैं बताऊँ। अपन ने क्या समझा डिजीज के अंदर, एयरवे के अंदर क्या हो रही है, एक चीज हो रही है इन्फ्लामेशन, एक चीज क्या हो रही है इन्फ्लामेशन, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है, एयरवे क्या हो रहा है, नैरो हो रहा है, नैरो एयरवे। इसको अपन दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, ब्रोंको डाय कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, क्योंकि ब्रोंकाई के अंदर क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रही है, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। तो पेशेंट को बेसिकली क्या हो रही है, डिसनी की कंडीशन इसलिए तो डेवलप हुई है। तो अपने को दो चीजें सुधारनी है, एक इन्फ्लामेशन को कम करना है, एक जो एयरवे नैरो हो रहा है उसको डायलेट करना है। ओके, दो टाइप की चीजें अपने को परफॉर्म करनी है, जो किस चाहिए वो नर्सिंग मैनेजमेंट हो चाहिए फार्माकोलॉजिकल। तो इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन वगैरह रिलीज होना। तो हिस्टामिन रिलीज कौन करता है, मास्ट सेल करते हैं। तो अगर अपन मास्ट सेल को रोक दें, मास्ट सेल इनहिबिटर दे दें, तो मास्ट सेल काम नहीं करेंगे, हिस्टामिन नहीं आएगा, इन्फ्लामेशन नहीं होगी। ओके, एक ये हो सकता है। डायरेक्ट अपन एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग भी दे सकते हैं, ब्रोंकाई ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ठीक करने के लिए ब्रोंको डायलेटर देते हैं। तो सबसे पहले जो ड्रग आती है वो होती है ब्रोंको डायलेटर, ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर्स मतलब कि ब्रोंकाई को डायलेट करने वाले जो एजेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अपन ब्रोंको डायलेटर बोलते हैं। तो बेसिकली ये भी दो टाइप के होते हैं, एक इनहेलेशन के फॉर्म में यूज किए जाते हैं, दूसरा होता है जो पेरेंट्रल पेरेंट्रल या फिर ओरल रूप में यूज किए जाते हैं। तो इनहेलेशन के रूप में यूज किए जाने वाले कौन से होते हैं, साल्बुटामोल, साल्मेटेरोल, साल्बुटामोल हो गया, साल्मेटेरोल हो गया, टर्बुटालाइन हो गया। ओके, तो ये जो एजेंट होते हैं ये क्या होते हैं, इनहेलेशन के रूप में यूज में किए जाते हैं, यानी कि एमडीआई मीटर डोज इनहेलर के अंदर यूज में किए जाते हैं। ओके, अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या जनरेट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं। कोई भी डिजीज होती है उसके एक स्पेसिफिक ड्रग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, ड्रग ऑफ चॉइस। DOC ऑफ अस्थमा, तो यहां आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सालबुटामोल। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है अस्थमा की, सालबुटामोल। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और जनरेट हो गया, सालबुटामोल क्या है, इनहेलेशन फॉर्म है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनहेलेशन फॉर्म में सालबुटामोल क्या है, पेरेंट्रल है, ओरल है, या इनहेलेशन फॉर्म है। तो इनहेलेशन फॉर्म है। ओके, किसके अंदर किसका यूज करके ज्यादा, एक डिवाइस होता है मीटर डोज इनहेलर, ये क्या एक टाइप का डिवाइस होता है, आपने देखा होगा कि एक टाइप का डिवाइस होता है इस तरीके का, जैसे मैं आपको बना के बताता हूँ। इस टाइप का होता है, ये माउथ पीस होती है, इसके अंदर यहाँ पे ड्रग वो रहती है, यहाँ पे एक बटन लगा, इसको प्रेस करते हैं तो ये जो ड्रग है, ये दवाई, ये कहाँ, यहाँ से इधर से जाती है पेशेंट के माउथ के अंदर, पेशेंट उसको इनहेल कर लेता है, और ये क्या है, ब्रोंकाई को क्या कर देती है, डायलेट कर देती है। ये डायलेट हो जाएगा तो सांस लेने में आसानी हो जाएगी। ओके,
दूसरी चीज अपन बात कर रहे थे पेरेंट्रल, ये जो ओरल फॉर्म होती है ब्रोंकोडायलेटर की, दूसरी चीज कहते हैं पेरेंट्रल और ओरल ब्रोंकोडायलेटर्स। इसके अंदर आपने कभी सुना होगा एक नाम एमाइनोफाइलिन, एक ड्रग का नाम सुना होगा एमाइनोफाइलिन। एमाइनोफाइलिन बेसिकली किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, थियोफाइलिन प्लस इथाइल एनिडामाइन, इथाइल एनिडामाइन। थियोफाइलिन और इथाइल एनिडामाइन का कॉम्बिनेशन होता है कौन, एमाइनोफाइलिन। ये बेसिकली कैसे यूज में किया जाता है, ये बेसिकली यूज में किया जाता है पेरेंट्रल या फिर ओरल फॉर्म के अंदर अपन इसको यूज में करते हैं। तो दो टाइप के ब्रोंकोडायलेटर आपको समझ में आ चुके हैं, एक जो इनहेलेशन फॉर्म में होते हैं और एक जो ओरल या फिर पेरेंट्रल रूप में यूज में किए जा सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ऐसे आ सकते कि कैसे भी क्वेश्चन देखो कैसे भी आ सकता है, लैंग्वेज कुछ भी हो आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कहीं भी एमाइनोफाइलिन दिखे तो आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो ये ब्रोंकोडायलेटर है, दूसरी ये कि ये या तो पेरेंटल रूप में यूज में आ जाती है या फिर ओरल रूट से अपन इसको देते हैं, इनहेलेशन रूट से इसको नहीं देते हैं। अब क्वेश्चन कैसे भी घुमा दो, एक नर्स है वो दे रही है तो कौन से रूट से देगी, तो आप कैसा सोचते हैं कि रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी वगैरह, इनमें तो एमडीआई का यूज करके ही देते हैं, तो एमाइनोफाइलिन ब्रोंकोडायलेटर एमडीआई के थ्रू दे देंगे, तो आपका क्वेश्चन गलत। ओके, तो ये चीजें समझने वाली हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इनहेलेशन फॉर्म वाली कौन सी है और जो ओरल या फिर जो पेरेंट्रल रूट से दी जाने वाली ब्रोंकोडायलेटर कौन सी है। अब जब भी ब्रोंकोडायलेटर देते हैं तो उस टाइम पे कुछ चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। अब जो ये ब्रोंकोडायलेटर्स होती हैं, ये क्या होती हैं, सिंपेथोमाइमेटिक्स होती हैं, सिंपेथोमाइमेटिक्स यानी कि ये सिंपेथेटिक एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। तो ये क्या करेंगे, इंक्रीज पल्स रेट। तो कभी भी अपन ब्रोंकोडायलेटर देते हैं किसी पेशेंट को तो देने से पहले अपन उसका क्या करेंगे, वाइटल चेक करेंगे यानी कि उसके पल्स रेट चेक करेंगे। ऑलवेज चेक पल्स रेट ऑफ पेशेंट बिफोर गिवन ब्रोंकोडायलेटर्स, ब्रोंकोडायलेटर देने से पहले हमेशा क्या करना है, उसके पल्स रेट को चेक करना है। क्यों, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर क्या है, सिंपेथोमाइमेटिक एक्शन होते हैं, पल्स रेट को बढ़ा देती हैं, बहुत ज्यादा पल्स रेट भी बढ़ सकती है, तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके पल्स रेट को पहले ही बेसलाइन पल्स रेट को हमेशा चेक करके रखते हैं। ओके, अब आते हैं अपन इसके नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट के ऊपर, नेक्स्ट जो ड्रग होती है फार्माकोलॉजिकल, दैट इज द कोर्टिकोस्टेरॉइड। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं, क्या होती हैं, एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स। तो अपन ने देखा एयरवे नैरो हो रहा है और इंफ्लामेशन होता है, इंफ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए अपन क्या दे रहे हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड, जिसमें हाइड्रोकोर्टिसोन हो गई, प्रेडनिसोलोन हो गई। तो ये जो टाइप की जो चीजें होती हैं ये क्या है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं, और इनका काम क्या होता है, एंटी इंफ्लामेटरी एक्शन होता है, ये इंफ्लामेशन को कम करेंगे, एयरवे के अंदर इंफ्लामेशन नहीं होगी तो वो अपने आप ही क्या होगा, स्वेल नहीं होगा, नैरो नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से ये कोर्टिकोस्टेरॉइड और ब्रोंकोडायलेटर देके अपन एयरवे को क्या करते हैं, डायलेट करते हैं, उसके इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। जहां पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक नोट लगा के आप लिख सकते हैं, ऑलवेज गिव ब्रोंकोडायलेटर फर्स्ट, देन गिव कोर्टिकोस्टेरॉइड।
ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी जो भी डिजीज होती है, जहां पे भी अपन ब्रोंकोडायलेटर या कोर्टिकोस्टेरॉइड का यूज करते हैं, वहां पे जो याद रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज द अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर प्लस कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रेस्क्राइब की गई है, तो आपको सबसे पहले ब्रोंकोडायलेटर ही देनी है, उसके बाद कोर्टिकोस्टेरॉइड देना। ऐसा नहीं कि पहले आप हाइड्रोकोर्टिसोन दे रहे हो, बाद में सालबुटामोल दे रहे हो। इसके पीछे का रीजन क्या है? लेट सपोज कि आपने ब्रोंकोडायलेटर नहीं दी, सीधा कोर्टिकोस्टेरॉइड दी, एयरवे क्या अभी नैरो है, डायलेट नहीं हुआ है, तो कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या होगी, रास्ते में क्या हो जाएगी, ट्रैप हो जाएगी। और कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, इम्यूनिटी को कम कर देती है। जहां भी कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रैप होती है, वहां पे क्या हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। क्या करवाती है, फंगल इन्फेक्शन। आपने सुना होगा ओरल कैंडिडाइसिस, अगर कोई बंदा इनहेलेशन फॉर्म ऑफ कोर्टिकोस्टेरॉइड लेता है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। ओके, जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में भी देखा होगा, ये फंगल इन्फेक्शन यानी कि ब्लैक फंगस नाम की बीमारी हो रही थी, क्योंकि कोर्टिकोस्टेरॉइड का ज्यादा यूज करने से इम्यूनिटी कम हो रही थी और फंगल इन्फेक्शन का ग्रोथ है ज्यादा हो रही थी। तो हमेशा एयरवे डायलेट होना चाहिए, वरना एयरवे के अंदर बीच में रास्ते में जो कोर्टिकोस्टेरॉइड ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने की वजह से वहां पे क्या होगा, फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो उस चीज को बचाने के लिए, उस चीज के प्रिवेंशन के लिए, हमेशा फर्स्ट यूज ब्रोंकोडायलेटर एंड देन यूज कोर्टिकोस्टेरॉइड। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ओके, क्योंकि इसकी वजह से पेशेंट का अस्थमा तो ठीक होगा नहीं होगा पता नहीं, बट उसके अदर डिजीज यानी कि फंगल इन्फेक्शन क्रिएट हो जाएगा, ओरल कैंडिडाइसिस डेवलप होने के 100% चांसेस हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अपन जो नेक्स्ट जो ड्रग की बात करेंगे, नेक्स्ट और क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एयरवे को डायलेट कर लिया, इन्फ्लामेशन कम कर दी। अब इन्फ्लामेशन हो रही है, उस एजेंट को भी तो रोकना है। इन्फ्लामेशन कौन करवा रहा है, हिस्टामिन, हिस्टामिन रिलीज हो रहे हैं क्या, इन्फ्लामेटरी जो एजेंट ही एक टाइप का इन्फ्लामेटरी जो केमिकल है, तो वो किसकी वजह से होता है, मास सेल की वजह से। तो अपन क्या देंगे, मास सेल स्टेबिलाइजर, यानी कि जो मास सेल की एक्टिविटी को क्या कर दें, स्टेबिलाइज कर दें। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, मास सेल, अपन क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजर बोलते हैं। होलोपेटिडिन एक ड्रग ये होती है, दूसरी ड्रग होती है इसमें किटोटीफैन। तो ये दो ड्रग होती हैं, ये मास सेल स्टेबलाइजर के रूप में अपन यूज करती हैं, होलोपेटिडिन एंड मेफे सॉरी किटोटीफैन। ओके, नेक्स्ट अपन ने देखा कि अस्थमा के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है, और वो कौन सी एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है, आईजीई एंटीबॉडी मीडिएटेड। तो दूसरी अपन जो नेक्स्ट जो ड्रग होगी एंटी आईजीई, तो एंटी आईजीई बेसिकली इसके अंदर जो ड्रग आती है वो होती है ओमली जुमाब। तो एंटी आईजीई का एग्जाम्पल क्या है, ओमली जुमाब। ये बेसिकली क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। ओके, ये क्या करती है, आईजीई एंटीबॉडी के एक्शन को क्या कर देती है, डिक्रीज इट्स एक्शन। अब इसका एक्शन कम हो जाएगा तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या हो जाएगी, अपने आप डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इन्फ्लामेशन नहीं होगी, इन्फ्लामेशन नहीं होगी तो एयरवे नैरो नहीं होगा, अस्थमेटिक अटैक ठीक हो जाएगा। ओके, तो ये था इसका पूरा कंप्लीट फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। देन नेक्स्ट आता है अपना नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि अपने को करना होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है, मैं आपको सीधा एक्सप्लेन कर देता, लिखेंगे कम समझेंगे ज्यादा। फर्स्ट चीज, अगर किसी को रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले उसकी पोजीशनिंग मेंटेन करनी सबसे जरूरी होती है। तो अपने को हमेशा कौन सी पोजीशन यूज में लेते हैं, कोई भी आता है तो हाई फाउलर पोजीशन पेशेंट को क्या करनी देनी है। दूसरा, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करना है, यानी कि उसको फेस मास्क लगाएंगे, ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, एंड उसको मतलब कि लो लेवल पे यानी कि 2 to 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसको ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। ओके, ताकि रेस्पिरेटरी ड्राइव है वो कम ना हो। ओके, कंटिन्यू उसकी बॉडी भी रेस्पॉन्स करे ऑक्सीजन लेने के लिए, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन होती है। और क्या चीजें कर सकते हैं आप नर्सिंग मैनेजमेंट में, उसको चेस्ट फिजियोथेरेपी दे सकते हैं। चेस्ट फिजियोथेरेपी,
इनकी क्या बोल सकते हैं, सीपीटी, चेस्ट फिजियोथेरेपी में बेसिकली क्या करते हैं, उसके चेस्ट के ऊपर अपन क्या करते हैं, जो अपने हाथ पाम होते हैं उनसे थपथपाते हैं ताकि जो अंदर कोई भी म्यूकस वगैरह है वो ट्रैप हो चुका है वो लूज हो जाए। ओके, देन उसके बाद अपन उसको क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की पोजिशनिंग देके उसके सीक्रेशन को, एयरवे सीक्रेशन को बाहर रिमूव आउट करते हैं। ओके, तो यह सीपीटी के अंदर मोस्ट कॉमन एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम टू परफॉर्म सीपीटी, चेस्ट फिजियोथेरेपी परफॉर्म करने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, 1 आवर बिफोर मील एंड 2 to 3 आवर आफ्टर मील। अगर कोई बंदा खाना खाने वाला है, लेट्स सपोज उसका खाने का टाइम 11 बजे का है, तो उसको सीपीटी कब देंगे, 10 बजे, 1 आवर बिफोर मील। अगर कोई खाना खा लेता है तो 2 to 3 आवर्स आफ्टर इनटेक ऑफ मील। ओके, तो खाना खाने के 1 घंटे पहले, अगर खाना खा लिया है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे बाद में ही सीपीटी देना है उसको, चेस्ट फिजियोथेरेपी देनी है। बाकी उसको है उसकी एनर्जी बचाने के लिए उसको ज्यादा एक्टिविटी नहीं करवाएंगे, उसको कंटिन्यू ऑक्सीजन के ऊपर रखेंगे जब तक कि उसका सेचुरेशन चेक ना जो पीक पे नहीं पहुंच जाए, उसके कंटिन्यूस वाइटल मॉनिटरिंग करनी है, पल्स रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह, पल्स जो ऑक्सीमीटर होता है वो लगा के रखना है ताकि उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन कंटिन्यू अपन मेजर कर पाए कि ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये सब चीजें अपने को परफॉर्म करनी है। तो ये था आज का अपना कंप्लीट टॉपिक, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं एग्जाम के अंदर, किस तरीके से आपको सोच के उसका आंसर देना होता है, और क्या कंप्लीट अस्थमा के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, उसकी डेफिनेशन, सिम्टम, कोज, टाइप, डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड मैनेजमेंट। ओके, तो अब अपन मिलेंगे इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।